तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है मोबाइल सॉल्यूशन। तो आज मेरे पास एक ओप्पो का A5 आया हुआ है जिसमें चार्जिंग का प्रॉब्लम है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ चार्जिंग में जो दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है आपको एक बार शो करना चाहता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने चार्जिंग कनेक्टर कनेक्ट कर दिया है और आप वीडियो में भी देख पा रहे होंगे कैमरे में कि यहाँ पर मैंने चार्जिंग कनेक्टर मोबाइल से कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर चार्जिंग का सिम्बल आके चला गया है। एक बार दोबारा से मैं डिसकनेक्ट करता हूँ और एक बार दोबारा से कनेक्ट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि चार्जिंग का सिम्बल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें प्रॉब्लम दोस्तों ऐसा है कि इसमें चार्जिंग स्टोर नहीं हो रहा है और चार्जिंग का सिम्बल आके चला जा रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आईसी से हुआ तो आईसी से बताऊंगा, कंपोनेंट से हुआ तो कंपोनेंट से बताऊंगा। तो एक बार और दोबारा से मैं कनेक्ट करके दिखा देता हूं, अगर आपको वीडियो में अच्छे से दिखाना हो तो। तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे चार्जिंग का सिंबल आ चुका है। सिंबल आने के बाद दोस्तों ये चला जा रहा है और इसके बाद मैं आपको बैटरी का जो वोल्टेज है दोस्तों, मैं वो भी दिखाने वाला हूँ। ये जो ओप्पो का A5 है, यहाँ पे आप मॉडल नंबर देख पा रहे होंगे, मैंने इसको मेंशन कर रखा है कस्टमर से पूछ के। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो फॉल्ट है, स्टोर का इशू है। तो चार्जिंग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, चार्जिंग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, चार्जिंग नॉट स्टोर का इशू है। कस्टमर ने जैसा कि मुझे दिया है, मैंने इसका कैमरा वैमरा निकाल के उसको दे दिया था, बैक ढक्कन जो होता है, मैंने सारी चीज़ें उसको रिटर्न कर दिया था। तो अब मैं देखने वाला हूँ कि बैटरी में जो चार्ज है वो कितना वोल्टेज चार्ज है। तो यहाँ पे आपको मल्टीमीटर यहाँ पे दिख भी रहा होगा और मैं आपको बैटरी में जो चार्जिंग है उसको मैं शो कर देना चाहता हूँ कि बैटरी में कितना चार्ज है। तो आपको कैमरे में भी दिख रहा होगा दोस्तों, मैं यहाँ के बैटरी का प्लस और माइनस चेक करूँगा। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, 4.1 वोल्टेज हमारी बैटरी चार्ज है। इतने में फ़ोन आपका चालू हो जाना चाहिए दोस्तों। 3.7 के पास जो वोल्टेज होती हैं दोस्तों, 3.7 के बाद जो वोल्टेज होती हैं, मैं आपको बता दूं कि फ़ोन आपका चालू हो जाना चाहिए। भले ही बैटरी लो हो बट आपको चार्जिंग का या फिर ऑन होने का आपको रिजल्ट मिल जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बैटरी को कनेक्ट कर देता हूँ। आप कैमरे में देख पा रहे होंगे मैंने बैटरी को कनेक्ट कर दिया है और ये है हमारा पावर की। तो यहाँ पे मैंने पावर की को प्रेस किया है और यहाँ पे चार्जिंग कनेक्टर को मैं निकाल देता हूँ। चार्जिंग का जो हमारा डाटा केबल है, चार्जिंग केबल है, वो मैं निकाल देता हूँ बाहर और पावर बटन को मैं प्रेस कर रहा हूँ दोस्तों, लेकिन ये फ़ोन चालू नहीं हो रहा है। तो एक बार मैं इसको DC से भी चालू करके एक बार दिखाऊंगा आपको कि फ़ोन मेरा चालू हो रहा है नहीं हो रहा है DC से। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए आप, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। तो मैं यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ कौन सा हमारा केबल लगेगा। तो हमारा यहाँ पे केबल ये वाली लग रही है, आपको वीडियो में हो ना दिख रहा हो बट आपको कैमरे में मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। हमारा जो बैटरी का कनेक्टर है वो आपका यही है और हमारा जो DC का केबल है सेम है। तो मैं यहाँ पे बैटरी को कर देता हूँ साइड में और एक बार मैं DC का जो हमारा केबल है वो लगाता हूँ और यहाँ पे मैं DC को ऑन कर देता हूँ। आपको आवाज़ सुनाई दिया होगा, तो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा बट मैं आपको एक बार DC की तरफ लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ दोस्तों कि हमारा DC में लगाने के बाद क्या रीडिंग आ रहा है। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या इशू है। तो एक बार मैं यहाँ पे कनेक्टर को कनेक्ट करता हूँ, जो DC का जो हमारा केबल है दोस्तों, यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया, आपको वीडियो में दिख रहा होगा और यहाँ पे दिख रहा होगा कि 4.9 मतलब 5 एम्पियर खा रहा है, ये मतलब शॉर्ट हो रहा है बैटरी कनेक्टर पे। और एक बार दोबारा से मैं उल्टा करके लगा के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे कि 5 एम्पियर हमारा ड्रेन हो रहा है वोल्टेज। तो दोस्तों इस कंडीशन में ऐसा होता है कि हमारा चार्जिंग की IC तो ओके होती है बट जो हमारा वीबैट पे लाइन आता है दोस्तों, उस कंडीशन में ऐसा ही होता है कि वीबैट पे जो लाइन आती है जो बैटरी को चार्ज करती है, कहीं ना कहीं वो लाइन हमारी शॉर्ट होती है दोस्तों। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कि क्या दिक्कत है और एक बार मैं ये भी चेक करूँगा कि हमारा चार्जिंग कनेक्टर लगाने के बाद से हमारा ये जो हमारा CC बोर्ड का B2B कनेक्टर है, यहाँ तक हमारा वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी मैं चेक करूँगा। हालाँकि चार्जिंग का सिम्बल हो रहा है तो इसका मतलब यही है कि हमारा चार्जिंग IC तक वोल्टेज पहुँच रहा है। तो चलिए एक बार मैं आपको कन्फर्मेशन के लिए एक बार चेक कराऊंगा कि हमारा जो B2B केबल होता है उसके ऊपर तक हमारा वोल्टेज जा रहा है नहीं जा रहा है, टिप्स तक जा रहा है नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे कंपनी वाले लगाते हैं प्रोटेक्शन के लिए कि शॉर्ट ना हो या फिर वाटर डैमेज में दिक्कत ना हो, इसकी वजह से ये चीज़ें लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको डिसेबल कर लेता हूँ। आप देख पा रहे होंगे मैं आपके सामने जो भी प्रोसेस है मैं आपके सामने कर रहा हूँ, इसको मैंने बाहर कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं B2B केबल दोबारा से लगाता हूँ और चार्जिंग कनेक्टर को इंजेक्ट करता हूँ चार्जिंग कनेक्टर में। यहाँ पे अब मैंने आपको दिखा दिया है, आप कैमरे में देख पा रहे होंगे दोस्तों, और यहाँ पे चार्जिंग का सिंबल भी आ रहा है
सिंबल नहीं आया है क्योंकि यहाँ पे मैंने बैटरी नहीं लगाया, ओनली वाइब्रेट हुआ है। तो एक बार दोबारा से मैं बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दोबारा से मैं चार्जिंग कनेक्टर को डिसेबल करता हूँ और एक बार और दोबारा से लगाता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे चार्जिंग का सिंबल आ चुका है यहाँ पे, और सिंबल आने के बाद यहाँ पे सिंबल हमारा चला गया है। तो आपको मैंने कंडीशन बता दिया है क्या क्या इशू आ सकती है आपके सामने। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 5 वोल्टेज चेक करूँगा, यहाँ से होके हमारा यहाँ तक 5 वोल्टेज आना चाहिए। अगर आपका कनेक्टर सही है या और B2B केबल सही है तो हमारा 5 वोल्टेज यहाँ पे आना चाहिए। तो कभी भी हॉट टेस्टिंग में आप वोल्टेज चेक करते हैं तो आपका रेड प्रॉक्स जो होता है वो ग्राउंड होना चाहिए। यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1.8 वोल्टेज आ रही है और यहाँ पे देख पा रहे होंगे कोई वोल्टेज नहीं है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1.8 वोल्टेज है और यहाँ पे देख पा रहे होंगे 0.4 वोल्टेज आ रही है। तो और यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1.8 वोल्टेज आ रही है और यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे 1.8 वोल्टेज आ रही है। तो यहाँ पे वोल्टेज दोस्तों ऐसा है कि यहाँ पे वोल्टेज आपको वीबैट का जो वोल्टेज वी चार्ज की जो वोल्टेज है आपको ऊपर तक देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि दोस्तों ऐसा है कि हो सकता है वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इसलिए यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रही है, या फिर बीच चार्ज की जो लाइन है वो शॉर्ट रही है, इसके वजह से यहाँ पे वोल्टेज आपको देखने को नहीं मिल रही है। और ये भी हो सकता है कि इन सारे टिप्स में से कोई सा भी ऐसा टिप्स नहीं है जो हमारा बीच चार्ज की लाइन हो। तो दोस्तों वीडियो को मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा और मुझे पता है यहाँ पर क्या दिक्कत है, बट मैं आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि क्या दिक्कत है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, जो हमारा बैटरी कनेक्टर है उसके ठीक सामने एक पत्रा लगा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो पत्रा है, यहाँ पे जो पत्रा लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे जो कंपोनेंट्स है दोस्तों, यहाँ बैटरी कनेक्टर का जो लाइन्स है इस पत्रे के अंदर जा रही हैं। अगर आपका चार्जिंग आईसी से होके अगर वोल्टेज आ रहा है तो इस पत्रे के अंदर से होते हुए इस बैटरी कनेक्टर पे आ रहा है, ये इस बैटरी कनेक्टर पे आप देख पा रहे होंगे बैटरी कनेक्टर। तो यहाँ पे मैं सिंपली चार्जिंग कनेक्टर को डिसेबल करता हूँ और बैटरी कनेक्टर को भी डिसेबल कर देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे मैंने बैटरी कनेक्टर को डिसेबल कर लिया है। अब मैं यहाँ पे जो ये पत्रा है इस पत्रे को मैं बाहर निकालूँगा और मैं आपको कटर से काट के आपको बताऊँगा भी कि इसके अंदर जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे मैं कटर से मैं काटने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। चलिए मैं दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ना दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे बोर्ड को डिसेबल कर लेता हूँ और फ़ोन को कर लेता हूँ साइड में। मैंने बोर्ड को साइड में कर लिया है और पत्रे को मैं बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पत्रा दोस्तों कभी भी आप निकालिए बिल्कुल सेफ वे में निकालिए, क्योंकि पत्रा निकालने में कई सारे हमारे जो टेक्नीशियन भाई हैं फ़ोन को डेड कर देते हैं। यहाँ पर मैं पत्रा कटिंग कर रहा हूँ दोस्तों, साइड से मैं कटिंग कर रहा हूँ, अंदर की तरफ बिल्कुल भी प्रेस नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने पत्रे का एक सिरा उठा लिया है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि पत्रा निकालते समय हमारा कंपोनेंट टूट जाता है, तो भाई वो हर किसी से होता है। अगर आपको पत्रा निकालने का टेक्निक नहीं पता है तो ऐसा हो जाएगा आपके साथ भी। तो यहाँ पे मैंने पत्रा निकाल लिया है, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में मैंने पत्रा निकाल लिया है और यहाँ पे भी मैं एक बार दिखा देना चाहता हूँ कि मैंने पत्रा निकाल लिया है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करूँगा मैं और सीधा मैं सोल्यूशन की तरफ लेके चलूँगा, क्योंकि देखिए दोस्तों मैं ऑलरेडी ये सब चीज़ों का जो फॉल्ट होता है मैं बना चुका हूँ और आपको इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या दिक्कत है और कहाँ से दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि इसमें PMI 632 लगा हुआ है, जिसका वर्जन है 902 और -00। तो ये है हमारा सेकेंड पावर जो हमारा DC to DC बनाता है। और एक बार मैं चार्जिंग में इसको कनेक्ट करूँगा बोर्ड के साथ और चेक करूँगा कि कोई कंपोनेंट यहाँ पे हीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको मैं अभी दिखाऊँगा भी आगे। तो एक बार मैं फ़ोन को कनेक्ट कर लेता हूँ चार्जिंग से। दोस्तों चार्जिंग लगाने से कुछ भी नहीं होगा जब तक आप बैटरी नहीं लगाएंगे, और बैट सेंस की जो लाइन होती है जब तक आपकी बैटरी से कनेक्ट नहीं होगी तब तक इसमें कोई भी हलचल देखने को आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे वाइब्रेट तो हुआ है फ़ोन, बट तो किसी भी प्रकार का कोई भी सिंबल आप देख पा रहे होंगे क्योंकि सिंबल आपको नहीं दिखा है। अगर आया भी है तो तुरंत चला जाएगा दोस्तों, 1 सेकेंड में चला जाएगा। बट अगर आप यहाँ पर बैटरी लगा देते हैं दोस्तों, आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पर अगर बैटरी लगा देते हैं, यहाँ पे मैंने चार्जिंग को डिसकनेक्ट किया है और दोबारा से बैटरी लगा दिया है, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में
बट अगर आप बैटरी लगा देंगे तो यहाँ पे थोड़ा देर ये सिंबल आपको देखने को मिल जाएगा। मैं ऑलरेडी इस फ़ोन को बना चुका हूँ दोस्तों, इसलिए मैं इस फ़ोन पे और तरीके से मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो मैंने यहाँ पे कनेक्ट तो कर दिया दोस्तों, और यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ किसी प्रकार का किसी कंपोनेंट में गर्म का तो सीन नहीं आ रहा है। तो एक बार मैं सारे यहाँ पे कंपोनेंट्स को चेक करूँगा दोबारा से, कंपोनेंट को चेक करूँगा दोस्तों डायोड मोड में और बीप मोड में। तो यहाँ पे मैंने चार्जिंग कनेक्टर को डिसेबल कर दिया, आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे मेरा बैटरी लगा हुआ है तो बैटरी को भी डिसेबल कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं कंपोनेंट्स को चेक करूँगा एक बार। तो दोस्तों ये जो हमारा कॉइल है ये हमारा चार्जिंग का लाइन का होता है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये कैपेसिटर शॉर्ट आ रहा है, ये कैपेसिटर शॉर्ट आ रहा है, तो ये कैपेसिटर भी शॉर्ट आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, और ये भी हमारा शॉर्ट आ रहा था, अभी शॉर्ट नहीं आ रहा है। बट ये जो हमारा कैपेसिटर है परमानेंटली शॉर्ट आ रहा है। तो कैपेसिटर जो होता है दोस्तों वो शॉर्ट कभी भी नहीं आना चाहिए। तो आपको एक बार दोबारा से मैं चेक करा दूँ, ये लाइन हमारी शॉर्ट आ रही है। तो कि मैं आपको दिखा पाऊँ, मैं चाहूँ तो यहाँ पे शॉर्टिंग निकाल सकता हूँ, बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्योंकि मैंने ये वीडियो इसलिए मैं ये वीडियो आपको इसलिए बना के दिखाना चाहता हूँ कि आपको भी अगर ये प्रॉब्लम आए तो आप इसको रिपेयर कर पाएँ। क्योंकि दोस्तों ऐसा है कि इस फ़ोन का कोई लेआउट नहीं दे रखा है, बस स्कीमेटिक दे रखा है। तो यहाँ पे मैं डीसी मशीन को एक बार चालू करूँगा, आप देख पा रहे होंगे। तो ये हमारा जो कैपेसिटर है दोस्तों गर्म हो रहा है, मैंने आपके सामने इस पत्रे को निकाला है और आपको दिखाया है कि ये फ़ोन चार्जिंग में सिंबल बस दिखा रहा है, स्टोर का इशू है। तो मैं एक बार इस कैपेसिटर को निकालूंगा बाहर और चेक करूंगा कि हमारा चार्ज हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यहाँ मैं आयरन की मदद से इसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने इसको बस उठा दिया है दोस्तों, थोड़ा सा उठा दिया है कैपेसिटर को, वहाँ अपनी जगह से बस उसको हटा दिया है। और दोबारा से मैं एक बार डीसी मशीन को लगा के चेक करूँगा कि मेरा शॉर्टिंग अभी भी है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैंने दोबारा डीसी कनेक्ट कर दिया दोस्तों, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे मैंने डीसी कनेक्ट कर दिया है। और उस कैपेसिटर को हटाने के बाद से दोस्तों हमारा डीसी एम्पियर का जो मशीन में वोल्टेज जो एम्पियर ले रहा था, अभी वो एम्पियर यहाँ पे नहीं ले रहा है दोस्तों। तो इसका मतलब ये है कि फ़ोन हमारा ओके हो चुका है और शॉर्टिंग जो थी हमारी हट चुकी है। हमारी जो शॉर्टिंग थी दोस्तों इस कैपेसिटर से थी, और मैंने इस कैपेसिटर को ऊपर उठा दिया है। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जब मैं इसको इसके ग्राउंड से टच कर रहा हूँ तो ये शॉर्ट सा हो रहा है और यहाँ से धुआं सा निकल रहा है। तो और एक बार मैं इसको डीसी मशीन से चालू भी करके चेक करूँगा कि चालू हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों कि एम्पियर लेना चालू कर दिया है। और हमारा जो फ़ोन है दोस्तों, आपको मैं दिखा दूँ एक बार, फ़ोन की तरफ लेके चलता हूँ। डीसी मशीन से चालू नहीं हो रहा था और शॉर्टिंग आ रहा था दोनों साइड से। तो अभी ये फ़ोन हमारा चालू भी होना स्टार्ट कर दिया है दोस्तों। और हमारा डिस्प्ले ख़राब है जिसकी वजह से दिक्कत हो सकता है, बट हमारा जो कैपेसिटर था दोस्तों वो हमारा कैपेसिटर शॉर्ट था। अब मैं डीसी मशीन से भी चालू करके आपको दिखा दिया हूँ फ़ोन को, और दोबारा से मैं आपको बैटरी से भी चालू करके दिखाऊंगा, जिसमें बैटरी में हमारा 4 वोल्टेज प्लस चार्ज था। तो यहाँ पर मैं डीसी मशीन को करता हूँ डिसकनेक्ट, आपको वीडियो में दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर मैंने डीसी मशीन को डिसकनेक्ट कर दिया है और दोबारा से मैं बैटरी में इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। तो हमारा जो बैटरी था दोस्तों 4 वोल्टेज प्लस था, और बटन दबाने पे चार्ज होते हुए बैटरी हमारा चालू नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे मैंने पावर बटन को प्रेस किया है और देखते हैं फ़ोन हमारा चालू होता है नहीं होता है। हो सकता है हमारे यहाँ पे लूज कनेक्शन होने के नाते फ़ोन ना चार्ज हो रहा हो, चालू ना हो रहा हो। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पीछे प्रेस किया और यहाँ देख पा रहे होंगे दोस्तों कि फ़ोन हमारा चालू हो गया है। अगर आपकी बैटरी दोस्तों 3.7 के बाद से चार्ज होती है तो आपका फ़ोन चालू होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, 100% चालू होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों हमारा फ़ोन चालू हो गया है। और यहाँ पे बस एक कैपेसिटर ऐसा था दोस्तों जो शॉर्ट आ रहा था, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, और इसी की वजह से हमारा जो चार्जिंग का सिंबल था बस सिंबल दिखा के फ़ोन हमारा चला जा रहा था। अब मैं यहाँ पे चार्जिंग पिन आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये मेरा चार्जिंग पिन है, केबल है, और मैं एक बार इसमें कनेक्ट करूंगा। और डीसी में एम्पियर में मैं चेक कर रहा हूं, जहां तक यहां पे ले रहा है 1.2
मिली एम्पियर। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, मैं एक बार लाइट इसको बंद कर देना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि फ़ोन हमारा चालू तो हो गया है, बट इसमें ऑलरेडी पासवर्ड लगा हुआ है। मुझे पासवर्ड बिल्कुल नहीं पता है, क्योंकि कस्टमर का पासवर्ड हम लेते नहीं हैं कि मैं आपको दिखा पाऊँ। बट आपको ये ज़रूर दिखा दूँगा दोस्तों कि हमारा जो चार्जिंग का एम्पियर है क्या एम्पियर ले रहा है। यहाँ आप ऊपर देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे फ़ोन साइड में रख दिया है, और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों कि अब चार्जिंग का जो सिंबल है दोस्तों वो हमारा सिंबल आने लगा है। यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको 1.3 एम्पियर आपको दिख रहा होगा दोस्तों बहुत अच्छे से। और मैं आपको दोबारा फ़ोन की तरफ लेके चलना चाहता हूँ। तो ये हमारा फ़ोन है और मेरा ये छोटा सा सेटअप है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने चार्जिंग कनेक्टर कनेक्ट किया हुआ है, और दोबारा से मैं पीछे की तरफ प्रेस करूँगा और दिखाऊँगा आपको। यहाँ पे फ़ोन मेरा चालू भी हो गया है, और आपको एक बार बैटरी डिस्कनेक्ट करके यहाँ पे मैंने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और मैंने बस दोस्तों कुछ नहीं किया, बस एक कैपेसिटर को यहाँ से उसकी जगह से बस हटाया हूँ। आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो कैपेसिटर है मैंने बस हटाया हुआ है, और जो आपको चार्जिंग सिंबल आके जा रहा था दोस्तों एक बार उसको भी दिखाना चाहूँगा कि चार्जिंग का सिंबल आके जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने चार्जिंग कनेक्टर को कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे उस टाइम पे दोस्तों यहाँ पे रेड आ रहा था, बट यहाँ पे अब वाइट आ चुका है। और दिखाऊंगा मैं आपको कि चार्जिंग आगे बढ़ रहा है कि नहीं है, वो बढ़ रहा है, हमारा बैटरी चार्ज है कि नहीं चार्ज है। तो आप देख पा रहे होंगे 83% वोल्टेज है, सॉरी 83% हमारा बैटरी चार्ज है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 3.7 के बाद से आपकी जो फ़ोन है वो चालू होना चाहिए, और ये 4 वोल्टेज प्लस था, इसकी वजह से फ़ोन हमारा देख पा रहे होंगे 83% चार्ज है। तो दोस्तों एक बार चालू करके मैं आपको फ़ोन दिखा देता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। और कोशिश करिए दोस्तों कि आपके जो जानने वाले हैं जिसको आप अपना मानते हो इस मोबाइल फील्ड में, तो उनको भी ये वीडियो ज़रूर भेजिए, उनको हो सकता है कि इसकी इस वीडियो से कुछ ना कुछ आप उनको सीखने को मिले। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।